खबर पिपरिया से, पेट्रोल पंप का पुराना कर्मचारी ही निकला लुटेरा। पिपरिया जबलपुर हाईवे स्थित पालीवाल पेट्रोल पंप से कैश लेकर निकले दो कर्मचारियों के साथ रास्ते में मिर्ची आंखों में झोंककर 2,60,000 की लूट की वारदात कर फरार हुए दो आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन में धर दबोचा। एसडीओपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि मोबाइल कॉल डिटेल और पंप कर्मचारियों के रिकॉर्ड और पूछताछ से आरोपियों के सूत्र हाथ लगे हैं। इस घटना को मुख्य आरोपी अनिल पिता द्वारका दुबे निवासी मंडीदीप ने साले पूनम पिता पूरन लाल ठाकुर निवासी थाना रामपुरा साईखेड़ा के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था। इन दोनों ने पंप कर्मचारी संजय वर्मा और संजय रघुवंशी की आंख में मिर्ची झोंककर केश से भरा बैग लूटकर फरार हुए थे। लुटेरा ने लूट की राशि का बंटवारा कर कुछ राशि उड़ा दी। दोनों से कुल 2,40,000 की राशि बरामद की गई। वहीं चोरी की गई 2 बाइक और 1 पिस्टल, 2 कारतूस बरामद किए। आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन चोरी की बाइक और पिस्टल मिलना अपराधियों की गंभीरता को बढ़ाते हैं। टीआई उमेश कुमार तिवारी ने बताया एसपी संतोष सिंह गौर, एएसपी अवधेश प्रताप सिंह और एसटीओपी के मार्गदर्शन में मंगलवारा थाना पुलिस टीम ने सतत प्रयास कर आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। पालीवाल पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 2,60,000 की लूट की वारदात का 3 दिन में खुलासा कर राशि बरामद करने पर पंप संचालक दीपू पालीवाल ने एसटीओपी को 21,000 की प्रोत्साहन राशि चेक पीसी के बाद भेंट किया। इस अवसर पर जय माता दी के संदीप शर्मा सहित सदस्य पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। पालीवाल पेट्रोल पंप तो पिपरिया में लगभग 2,60,000 की लूट की गई थी। फरियादियों ने आकर के थाने पर हाजिर होकर के बताया कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने वो जैसे ही कैश लेकर के पालीवाल पेट्रोल पंप से बाहर निकले हैं फरियादी, और उनकी आंखों में मिर्ची झोंक करके उनसे बैग छीन करके इस लूट को अंजाम दिया था। इस लूट के तत्काल बाद पुलिस सक्रिय हुई, पूरी टीम थाना पिपरिया की सक्रिय हुई और उन्होंने सघन जांच में जब 2 दिन लगातार इसके अंदर लगे रहे तो साइंटिफिक एविडेंस और लोगों की जानकारी के आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंचे और पूछताछ में और साइंटिफिक एविडेंस ये सामने आया कि पालीवाल पेट्रोल पंप पे ही आज से 4 महीने 4 माह पूर्व काम करने वाले, अभी वो छोड़कर के चला गया, ऐसा काम करने वाले पिता द्वारका प्रसाद दुबे, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ जो दूसरा बाइक पर बैठा आदमी था वो इसी का दूर का साला, चचेरा साला पूनम ठाकुर, इन दोनों ने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया। लगभग 2,60,000 रुपये इस लूट में शामिल मशरूका थी, जिसमें से जब इनसे पूछताछ की गई तो बताया गया कि लगभग 2,41,000 रुपये तो इनके पास से बरामद हो गए, बाकी बचे हुए 7,000 रुपए का इसने पूनम ठाकुर, जो इसके साथ वारदात करने वाला सहयोगी था, उसको 7,000 का मोबाइल दिलवाया, 3,000 का गेट दिलवाया, उसकी भी राशि जब्त की जा चुकी है। बाकी 8,700 रुपए के आसपास की राशि इसने खर्च करना बताया पिछले 2 दिन में। इस तरीके से पूरी लूट को की राशि लगभग जो खर्च कर दी गई और जिसका सामान खरीद लिया गया उसको छोड़ करके बरामद की जा चुकी है, जो सामान है उसकी भी राशि बरामद की जा चुकी है। इनकी जांच करने पर पता पड़ा कि इनके द्वारा घटना के समय भी और बाद में भी इनसे एक पिस्टल बरामद हुई है, जो अनिल दुबे है जिसने ये घटना को अंजाम दिया था, पिस्टल बरामद हुई है और उसकी भी जांच की जा रही है, उसको उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई जारी है। और जांच पर सघन जांच में ये पता पड़ा है कि जिस मोटरसाइकिल का इन्होंने प्रयोग किया था वो मोटरसाइकिल भी चोरी की है, इनकी खुद की नहीं है। इसकी अभी और पूछताछ और तफ्तीश जारी है और आगे निकल कर के आएगी कि कहाँ से निकल के आए थे। आज तक की इसमें लूट की घटना पूरी टीम ने लग कर के मेहनत करी है। प्रमुखता थाना प्रभारी पिपरिया सबसे उप निरीक्षक रूपलाल उइके, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश राजपूत और समस्त टीम नरेश मलिक, रामलाल वर्मा ASI, महेश दुर्वे ASI, गणेश राय, अनिल कुमार, कृष्ण कुमार, अफसर खान, अंकुश कौरव, अजमेर सिंह, सुरेंद्र शिल्पी, अजय सिंह और चालक नीलेश रघुवंशी, इन सबके अलग अलग सहयोग और इनपुट से और समय से दबिश देने के
कारण लगभग 60 घंटे के भीतर ये लूट इतनी बड़ी मशरूगा की लूट ट्रेस हो पाई है। आप लोग अब सवाल सर, एक लूट की वारदात घटित हुई, किस तरह की वारदात थी और किस तरह का आरोपी तक पहुंची पुलिस? 28 जनवरी 2021 को बनखेड़ी रोड पे पालीवाल पेट्रोल पंप के कुछ दूर दो अज्ञात लोगों द्वारा पालीवाल पेट्रोल पंप के मैनेजर और उसके साथी जो कि कैश लेकर के जा रहे थे उनके साथ आंखों में मिर्ची झोंक करके उनसे बैग जिसमें कि लगभग 2,60,000 रुपये कैश रखा होना बताया गया था वो लूट को अंजाम दिया गया था। पुलिस तत्काल सक्रिय होकर के पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, तफ्तीश शुरू की और 60 घंटे के भीतर इसमें साइंटिफिक एविडेंस और लोगों के बयान इत्यादि के आधार पर इसी पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मचारी अनिल पिता द्वारका प्रसाद दुबे 26 साल का है, जो निवासी अभी मंडीदीप का है, वहीं काम करता है, पहले इसी पेट्रोल पंप पे काम किया करता था, उसने अपने साले पूनम ठाकुर जो कि निवासी साई खेड़ा के पास रामपुरा गांव है वहाँ का, उस दोनों के द्वारा बाइक पर आकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया। इनसे लगभग 2,41,000 रुपये कैश बचा हुआ जो उन्होंने खर्च कर दिया वो, और जिससे सामान खरीद लिया था उतना पैसा और सामान बरामद कर लिया गया है, तो लगभग रिकवरी लगभग 2,60,000 के आसपास की है। कोई कुछ पूछना? नहीं बस टीम का तो ले लो, घुमाते जाना बस। नहीं मैं तो आपके कैमरे के लेंस में देख करके बोल रहा हूँ। बोलो ओके सर। दिनांक 28 जनवरी 2021 की रात को 8 बजे लगभग पालीवाल पेट्रोल पंप जो कि बनखेड़ी रोड पर स्थित है वहाँ पर दो अज्ञात लोग जो बाइक पर आए मिर्ची झोंक करके उन्होंने पालीवाल पेट्रोल पंप के स्टाफ जो कि लगभग 2,60,000 रुपये बैग में रख करके ले जा रहा था उनके साथ लूट को अंजाम दिया था। तत्काल पुलिस एक्शन में आई और पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी पिपरिया एवं अन्य टीम के लोगों ने मेहनत करके इसमें साइंटिफिक एविडेंस और लोगों की बयानों के आधार पर इसी पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मचारी अनिल पिता द्वारका प्रसाद दुबे उम्र 26 साल निवासी मंडीदीप से पूछताछ शुरू की, जिसने इस लूट को अंजाम देना अपने साले पूनम ठाकुर निवासी साई खेड़ा नरसिंहपुर द्वारा कार्य होना बताया। इन्होंने इस घटना को अंजाम देकर के पैसा लगभग 2,41,000 रुपए इनके पास से बरामद हुए, शेष राशि जो बची थी इनमें से लगभग 8,000 के आसपास खर्च होना बताया, बाकी से जो सामान लिया था वह सामान और राशि जब्त की जा चुकी है, तो मशरू का 2,60,000 रुपए लगभग जब्त है। एसपी साहब होशंगाबाद द्वारा इसमें 10,000 रुपए टीम के लिए इनाम घोषित किया गया था, जिनके यहाँ पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी उनके द्वारा भी 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम को दिया जा रहा है। सही हो गई नहीं सर, पूरी एक ही। मैं संजय रघुवंशी किराम रामपुर रहता हूँ। भाई साहब, जो उस दिन जो लूट की घटना हुई थी आपके साथ वो कैसे हुई थी? सर, हम रोज की तरह अपना 8 बजे कैश घर जमा करने के लिए जाते हैं, तो कभी 8:15 भी बज जाते हैं और 8 भी बज जाते हैं, 8:30 भी बज जाते हैं। तो उस दिन हमने कैश वर्मा जी ने मैनेजर साहब ने तैयार किया और झोले में भर के बोले चलो, हम दोनों गाड़ी में गाड़ी चला रहा था, भैया बैग रखे थे बीच में पीछे बैठे हुए थे, और हम दोनों पंप से निकले। पंप से निकलने के बाद दो मिनट बाद आगे आए हम बीच रास्ते में, एकदम से काली कलर की गाड़ी हमारे साथ में हुई और भैया से बैग छीना और इनने कहा ए ए ए, तो मैंने भी पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने हम दोनों की आंखों में मिर्ची मारा, बैग छीन कर। उस समय वो कोई हथियार नहीं बताया था आपको डराने के लिए या कुछ भी? नहीं, हथियार नहीं था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें समय भी नहीं मिला उन्हें देखने के। अच्छा, आपके हाथ में छीन आता है ना भैया बैग? क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। अच्छा अच्छा। खबर भारतवर्ष के लिए पेपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।